हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह। माय यूट्यूब चैनल ममता है, संतोष ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी घड़ी बज रहे हैं सुबह के 8, और फ्रेंड्स मैं 8 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स बता दूँ, दिवाली आने वाली है तो गांव में मतलब सफाई एक हफ्ता पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो आज से मैं मतलब आज सफाई आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं एक घर रोज़ मतलब सफाई करूँगी और मतलब सारा करूँगी। तो मैं थक भी जाऊँगी और छोटा दिन भी है, टाइम भी बीतते टाइम नहीं लग रहा है। तो बहुत सारा कपड़ा निकाली हूँ और अभी चल रही हूँ घर का सफाई करने। तो आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊँगी। और मतलब हर सब दीपावली ऐसी चीज़ है कि हर कोने कोने में से जो कि कचरा जहाँ रहती है अच्छे से सफाई हो जाता है, और काफ़ी मेहनत भी लगता है, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और चलिए दिखाते हैं आप लोग को मैं किस तरह से सफाई कर रही हूँ घर को। तो बने रही मेरे पास सारा था, इसको मैं धूप में डाल दी हूँ। और पर्दा देख सकते हैं, जितना मैं ऊपर पर्दा सामान रखी हूँ पर्दा भी हटा दी हूँ। और ये जो है अभी अच्छे से सब ऊपर का जो मतलब झारम होती है उसको सब मारना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, बाबू दिखाएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ किस तरह से सफाई होती है दीपावली पर, और हर कोने में से कचरा जो कि निकाला जाता है। तो आज मैं एक घर की सफाई करूँगी, और कल दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह, फिर करवा चौथा आ जाएगा। फिर तो मैंने सोचा कि दीपावली भी कम दिन है, कम समय, मतलब कम दिन ही रह गया है, और गाँव में सफाई जो कि एक हफ्ता 10 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फिर आप लोग को मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और अभी मैं फिर नाश्ता भी नहीं की हूँ, तो बाबू नाश्ता कर लिया है क्योंकि उसको फीवर है तो दवा खाना था। और चलिए सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोग को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम से। तो रूम का मतलब सबसे ऊपर है जो कि टाढ़ा बोलते हैं गांव साइड में, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। तो मैं ऊपर से सबसे पहले सफाई कर रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ऊपर चढ़ी हूँ, बाबू मेरा मोबाइल लिया है। और फ्रेंड्स टाढ़ा साफ़ करने के बाद और मैं झाड़ू बानी हूँ एक डंडे में, जो कि मैं छोटी हूँ तो इतने ऊपर से मेरा हाथ नहीं जाएगा, तो मैं बानी हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छे से जो कि मकड़ी के जाले गिर जाते हैं, तो देख सकते हैं इससे मैं सफाई कर रही हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं अच्छे तरह से करने के बाद और झाड़ू लगाने के बाद, और यहाँ पर आ गए थे दूध वाले भैया जी, तो दूध दे के गए हमारे यहाँ। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगाने के बाद, और इतना सारा धूल हो गया था सारे रूम में, बेड पर, हर जगह, तो मैं अच्छी तरह से पानी के और से पोछ रही हूँ कपड़े से, सूती कपड़े से। तो देख सकते हैं पूरे अच्छी तरह से मैं पोछ लूँगी हर जगह, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल था फ्रेंड्स की कहने लगे। लेकिन दीपावली ऐसी त्यौहार है कि हर जगह के गंदगी जो कि बाहर चली जाती है, तो ये अच्छी तरह से मैं पोछा लगा लूँगी फ्रेंड्स। जितने मेरे घर में खिड़की दरवाजे हैं उसको अच्छी तरह से पानी की सहायता से मैं पोछ ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर उधर मतलब दूर हर जगह बैठा है फ्रेंड्स। तो मैं अच्छी तरह से पोछा लगा लूँगी हर दरवाजे खिड़की। ये सभी मैं एक रूम मेरा साफ़ हो गया है और उसको मैं अच्छी तरह से मतलब सारे पोछ ली हूँ। अभी घर को धोना है, और यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा यहाँ पर फेंकी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा कपड़ा है, बस एक रूम का इतना सारा कपड़ा है। इसको मैं भिगो दूंगी, और अभी रूम को भी धोना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा मैं रखी हूँ एक रूम का सफाई है करने। और मेरा बाबू भी सहायता किया थोड़ा बहुत, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए देख सकते हैं मेरी हालत, एक रूम का सफाई करने में इतना हालत ख़राब हो गया। तो यहाँ पर ढेर सारा कपड़ा है, और पीछे भी रखी हूँ, देख सकते हो वहाँ पर भी रखी हूँ। और सारे कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी, अभी चल रही हूँ रूम को धोने के बाद। और रूम को मतलब आज नहीं साफ़ करूँगी, एक कल साफ़ करूँगी, एक परसों, इसी तरह एक एक रूम करके मैं साफ़ करूँगी फिर। और इतना सारा जो कपड़ा है कि एक रूम का है, और चल रही हूँ इसको भिगो के रख दूँगी पोछा ओछा लगाने के बाद।
इसको लास्ट में मैं धोऊंगी, धो के तो वही नहाऊंगी फ्रेश। तो अभी चलिए फिर घर को मैं धो लेती हूँ और सारे कपड़े छत पर भी डाली हूँ, देख सकते हैं छत पर सारे कपड़े जो हैं सूखने के लिए डाली हूँ। तो चलिए चलते हैं फ्रेश, पानी ले लें। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से पानी लेकर आई हूँ नीचे से और इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ। धोने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूँ मैं सारा रूम इसी तरह धो लूँगी। और धोने के बाद फ्रेंड्स मैं कपड़ा नीचे रखी हूँ भिगो के, उसको भी धुलना है। तो पहले सारा रूम मैं धो लेती हूँ अच्छी तरह से नीचे तक, और दीपावली और पास आया जाएगा तो एक बार और रूम को अपने धोऊँगी। तो मैंने सोचा धूल काफ़ी है तो मैं एक बार धो देती हूँ, सारा रूम भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा और दीपावली आएगा तो एक बार और धोगी। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, नीचे का भी अभी झाड़ू लगाना है तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सारे कपड़े मैं भिगो दी हूँ, जो मोटा मोटा कपड़ा है, बेडशीट है, सारा चीज़ है, उसको लास्ट से देख सकते हैं इस तरह से कर रही हूँ कि जितना मतलब गंदा है वो बाहर निकल आएगा। पूरा वॉशिंग मशीन का मेरा पैर काम कर रहा है न बाबू। तो अब लाइट आएगा फ्रेंड्स तो इसको मैं धुलूँगी। अभी सारे बर्तन रखी हूँ पीछे देख सकते हैं, उसको भी धुलना है और मेरा चेहरा भी देख सकते हैं कैसा हो गया धूल माटी से, और द्वार पर भी मेरा साफ हो गया है। इसको मैं इस तरह से 10 मिनट तक छोड़ दूँगी करके। तो फ्रेंड्स मैं सारा काम करने के बाद और नहाने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो पूजा मैं कर लेती हूँ और उसके बाद तो फिर नाश्ता करूँगी। अभी मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स देख सकते हैं, और कितना ही लेट हो जाए फ्रेंड्स बिना पूजा किए मैं भोजन नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर नहा आई हूँ तो मैंने सोचा भगवान का पूजा कर लेती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ उनको, उनका कृपा हमारे पर बना रहे, मेरे पूरे परिवार पर बना रहे। बस वही मनोकामना से ही भगवान से मांगती हूँ हमेशा, और आप लोग का साथ बना। खाली हुई हूँ अभी, खाना भी मतलब कुछ भी खाई नहीं हूँ, नाश्ता भी करना है और दवा भी पीना है, क्योंकि दवा सुबह पीना था टॉनिक का और मैं भूल गई थी, और नाश्ता भी नहीं की, काम इतना हो गया। मतलब मैंने सफाई करने लगी तो मैंने सोचा नहा लूँ, उसके बाद मैं पूजा करने के बाद कुछ खाती हूँ। तो बज गया 12, तो फ्रेंड्स 12 बज रहा है, अभी मैं चल रही हूँ कुछ खाने, देख सकते हैं 12 बज रहा है, आप लोगों को मैं घड़ी भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना जो कि सिरप भी निकाल दी हूँ देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सिरप की सफाई 1 हफ्ता 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है और दीपावली की। तो मैं मतलब रोज़ मैं एक घर साफ करूँगी, आप लोग को बताई भी हूँ। और ऐसे ही 12 बज रहा है, छोटा दिन है फ्रेंड्स, समय भी निकल जा रहा है, टाइम मतलब मैं बहुत सारा कपड़ा भी धुली हूँ, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। बस एक रूम का फ्रेंड्स, मैं एक रूम का इतना सारा कपड़ा निकला है, और अभी बरामदा है, बालकनी है, नीचे का है, सारा चीज़ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा मैं धुली हूँ
पूरा भरा हुआ है, देख सकते हैं। इस साइड भी है, आप लोग को मैं बैक कमरे से भी दिखा दूंगी। बहुत सारा कपड़ा है जो कि मैं धुली हूँ, और अभी मैं धुल के पूजा करके अभी आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ा बातें कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। और सिरप भी अपना जो टानी दवा है, दवा भी निकाल दी हूँ पीने के लिए, तो चल रही खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैं बैक कमरे से अपना दिखा रही हूँ कितना सारा मैं कपड़ा धुली हूँ, और छत पर ढेर सारा कपड़ा डाली हूँ सूखने के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, बालकनी में भी फैलाई हूँ, छत पर भी फैलाई हूँ, सारी नीचे जो कि कपड़ा मैं डाली हूँ, तो आप लोग को बैक कमरे से मैं दिखाती हूँ। कपड़ा भी मतलब बेफालतू फेंकना भी नहीं पड़ता है, और ऐसे सारी चीज़ें जो फ्रेश रहती हैं मेरे घर में, घर में रहता है, मैं सारी चीज़ें मतलब कोई सामान हो मैं रखी रहती हूँ, और उसका यूज होता है तो ये करती हूँ, नहीं तो फिर आते हैं कबाड़ी वाले भैया जिसे आते हैं, कोई मतलब बच्चों का बुक है या कोई चीज़ है तो मैं मतलब दे देती हूँ, और पढ़ने वाला बुक मैं नहीं देती हूँ फ्रेंड, जो लिखने वाला है कॉपी होता है उसको मैं दे देती हूँ, और बुक बाबू लोग का मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरे बाबू लोग का छोटे से लेके बड़े तक जितने बुक हैं मैं सारी चीज़ें रखी हूँ, और बस कॉपी देती हूँ फ्रेंड्स। और जितना छोटा मोटा सामान है, बेफालतू सामान है, मतलब यूज नहीं करती हूँ, उसको सारी चीज़ें मैं दे देती हूँ। तो बस इसी तरह दीपावली में अच्छे से घर की सफाई हो जाती है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स अभी मैं चल रही हूँ खाना खाने, और देखते हैं क्या खाते हैं खाना में। ऐसे आज मैं बनाई हूँ कढ़ी चावल, अभी रोटी भी बनाना है, पापा जी नाश्ता करके चले गए हैं और आएंगे दोपहर को, तो मैं दोपहर को रोटी बनाऊंगी। पापा जी बोले कि मैं दोपहर को रोटी खाऊंगी और उनको कढ़ी चावल थोड़ा दे दीजिए, तो पापा जी खा के गए हैं और हम भी खाने चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं दूध रखी हूँ पकने के लिए, तो दूध भी मेरा अच्छे से पक गया, इसको मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अभी चल रही हूँ मैं भी कढ़ी चावल थोड़ा सा खाऊँगी, और बाबू लोग आ जाएंगे स्कूल से, छोटा वाला बाबू नहीं गया है क्योंकि उसको फीवर था इसलिए नहीं गया है, और गया है पापा जी के संग अपने पूरी खाने, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो गया है पूरी खाने। और बड़ा वाला बाबू गया है अपने स्कूल, क्योंकि उसका तबीयत ठीक हो जाता है फिर तो तुरंत स्कूल भागता है, क्योंकि उसको घर पर मतलब पढ़ाई बहुत मतलब कहता है मम्मी मेरा कोर्स पीछे हो जाएगा, इसलिए वो स्कूल चला गया है। आएगा 2 बजे, तो मैं सभी लोग के लिए, पापा जी अपने लिए और बाबू के लिए रोटी बनाऊँगी गर्मा गर्म, और बाबू और उसके पापा जी गए हैं पूड़ी खाने, तो लोग पूड़ी खा के आएंगे, तो मैं थोड़ा कढ़ी चावल अपने लिए रखी हूँ फ्रेंड्स, तो चल रही हूँ खा लेती हूँ। और ठंड का मौसम आ रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं रोटी गर्मा गर्म बनाती हूँ, जब सभी लोग खाते हैं तभी मैं बनाती हूँ रोटी, ऐसे मैं बना के नहीं रखती हूँ। और चावल मैं थोड़ा ही बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बाबू लोग का भी थोड़ा सर्दी जुकाम है, और रोटी उनको मतलब खाना है, और मैं अभी पानी गर्म करने के लिए रखूँगी, बाबू लोग आएंगे तो पीने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी और पेट में, और फ्रेंड्स और अभी मेरा खाना निकल गया, तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग को कढ़ी चावल पसंद है कि नहीं, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल मेरे घर को सभी घर में सभी लोग को पसंद है, बस मेरे छोटे वाले बाबू को मतलब उसको नहीं पसंद है, वो नहीं जल्दी खाना चाहता है, और मेरे घर में सबको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग को कढ़ी चावल पसंद है कि नहीं, तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी सारे कपड़े छत पर डाली हूँ सूखने के लिए, तो उसको मैं समेट रही हूँ, नीचे ले चलना है। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो रजाई है और ऊपर भी रजाई है, देख सकते हैं यहाँ पर भी रजाई रखी हूँ, सारा रजाई जो कि मैं धूप में डाली हूँ, तो इसको अभी धूप अब ख़त्म हो रहा है, शाम हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं सारे जो कि रजाई है, सारे कपड़े हैं उसको समेट रही हूँ, छत पर आई हूँ, तो शाम का समय हो गया है फ्रेंड्स, घड़ी बज रहा है 5, तो मैंने सोचा शाम भी हो रहा है और सूर्य भगवान भी अस्त हो रहे हैं, तो सारे कपड़े मैं समेट लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।